अयोध्या में बरेली पुलिस का खेल। 9 अगस्त की रात को चीता वाले पहुंचते हैं संकेत के पास और संकेत को उठा कर ले जाते हैं, कहते हैं तुम्हारा मेरे पास फोटो है, तुम 20,000 दो नहीं तो तुम्हें स्मैक और चरस में बंद कर देंगे। अंकित घबरा जाता है, संकेत कहता है मेरा कसूर क्या है। पुलिस कहती है अगर तुम 20,000 दोगे तभी तुम्हें छोड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें स्मैक और चरस में बंद कर देंगे। संकेत घबरा जाता है, संकेत जो है 8,000 में सौदा करता है, 8,000 दे करके फिर घर वापस आता है। मैंने कहा सर एक मिनट मैं घर पे बताऊँ या फ़ोन ले आऊँ, तो बोले बोले अब तू थाने में मंगाना फ़ोन लेना। चौकी कौन सी है? चौकी कौन सी है? चौकी नवादा चौकी। क्या कहा चीता वालों ने? कोई बातचीत नहीं की, मतलब ऐसे ही फालतू में ले गए और फिर मतलब वहाँ पे पैसे डाल लेते कर दो 20,000 रुपये दो वरना चरस और तमंचा वमंचा लगा के तुम्हें जेल दे दिया जाएगा। कितने रुपये लिए थे आपसे चीता वालों ने? 5,000 रुपये नगद लिए थे और 3,000 रुपये बोले थे मोबाइल सही करा के दो मेरा। और भी कुछ कहा था चीता वालों ने? कोई भी बात छपाई नहीं, अगर मैं कहना चाह रहा था तो मेरे थप्पड़ मार रहे थे। दो सिपाही थे और दरोगा जी भी आए थे और उन्होंने कहा मतलब कि साले को बंद कर दो चरस लगा के इसके ऊपर और तमंचा लगा के। आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हो? मैं यहाँ 3-4 महीने हो गए मेरे। 3-4 महीने हो गए, क्यों ऐसा क्यों करा पुलिस वालों ने आपके साथ? सर शायद किसी को उन्होंने फ़ोन किया था मतलब चौकी पर से, तो उससे पूछ रहे थे कि मतलब ये क्या काम करता है, तो उधर से रिस्पॉन्स ना मतलब चोरी करता है और मोबाइल छीनता है और चैन स्केचिंग करता है, ऐसी मतलब गलत आरोप लगा रहे थे मेरे ऊपर। समस्या ये है कि मैं घर आया था ड्यूटी से, फिर मैं सामान लेने गया दुकान पे, तो दुकान पे जैसे ही मैं गली से बाहर निकला चीता वाले आके रुक गए वहाँ पे, बोले तुम्हारा मेरे पास फोटो है और तुम बैठो, संकेत नाम है तुम्हारा? मैंने कहा हाँ। तो मुझे बैठा लिया और चौकी ले गए, वहाँ ले जाके उन्होंने मेरे लिए धमकाया और फिर बाद में बोलते हैं कि मतलब क्या चाहते हो, तो मैंने कहा मैं छूटना चाहता हूँ क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है, तो बोले अगर छूटना चाहता है तो मुझे 20,000 रुपये दे। तो मैंने जैसे तैसे करके उन्हें 8,000 रुपये दिया और मेरे मम्मी पापा हैं नहीं और मैं अपने परिवार खुद ही चलाता हूँ। मतलब आप काम करते हो? मैं मेडी सिटी हॉस्पिटल में। कितने साल हो गए मेडी सिटी काम करते हुए आपको? मुझे 3 से 4 महीने। कितने बजे तक करते हो आप? मैं सुबह 8 बजे से शाम के 7 और 8 के बीच में। मतलब आप काम करके आ रहे थे तभी रोका था आपको चीता वालों ने? नहीं हाँ, मतलब काम करके घर पे आ गया था, घर से सामान लेने गया था दुकान पे हाँ तब, और फिर मुझसे 8,000 रुपये लिए, तब मुझे छोड़ा और लिखवा लिया कि मतलब पूछताछ के लिए लेके आए थे। धमकी क्या क्या दी थी चीता वालों ने? धमकी ये दी थी कि तमंचा चाकू और चरस लगा के और इसे जेल भेज दिया जाए। चौकी इंचार्ज का नाम? चौकी इंचार्ज का प्रवीण बेनीवाल है।